नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु की रहने वाली दीपिका पल्लिकल एक भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इनका विवाह भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर व बल्लेबाज दिनेश कार्तिक से 20 अगस्त 2015 को हुआ। दीपिका अंडर 19 की कैटेगरी में नंबर वन महिला स्क्वैश खिलाड़ी मानी जाती हैं और विश्व रैंकिंग में उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया है, जो उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। वह WSA रैंकिंग के शीर्ष 10 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दीपिका का जन्म 21 सितंबर 1991 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। उनका पूरा नाम दीपिका रेबिका पल्लिकल है। उनकी उम्र 30 वर्ष है। उनके पिता का नाम संजीव पल्लिकल है, जो कि एक उद्योगपति हैं। इनकी माता का नाम सुशान पल्लिकल है, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी रह चुकी हैं और वर्तमान में एक ट्रेवल एजेंसी का संचालन करती हैं। इनकी बहन का नाम दिव्या पल्लिकल और दिया पल्लिकल है। दीपिका की 9वीं तक की पढ़ाई गुड शेफर्ड स्कूल से हुई। इसके बाद वे लेडी एंडल स्कूल चली गईं पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहां खेल की अच्छी सुविधा थी। इसके बाद उन्होंने इतराज कॉलेज चेन्नई में अंग्रेजी विषय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही दीपिका को खेल के प्रति बहुत रुचि थी। उन्होंने 6वीं कक्षा में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच लंदन में खेला था और 11 वर्ष की उम्र में वे नेशनल चैंपियन बन चुकी थी। इस खेल के प्रति इनकी ललक ने ही कई मैच जिताए और कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी इनके नाम हो चुके हैं। वे 2018 में पहली और तीसरी वरीयता प्राप्त करते हुए चेन्नई ओपन के लिए फाइनल में शामिल हुई। इन्होंने भारतीय चैलेंज नंबर 2010 ट्रॉफी के दो बीजों को पछाड़कर 5वें में अपना खिताब जीता। इसके बाद नेपाल ओपन जीतकर अपनी संख्या को दुगना किया। वर्ष 2011 में दीपिका ने विश्व चैंपियनशिप में एक क्रेडिट योग्य क्वार्टर फाइनल स्थान भी प्राप्त किया। दीपिका 2012 में पहली बार शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल हुई थी और वह भारत की स्क्वैश खिलाड़ी बनने और उसी वर्ष उनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। वर्ष 2014 में इन्होंने जोशान चिनप्पा के साथ स्क्वैश में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, जिसमें इन दोनों की जोड़ी ने इंग्लैंड के जेनी डुनुकाफ और लाड्रा मसारो को हराकर यह जीत हासिल की थी। दिनेश कार्तिक एक भारतीय क्रिकेट विकेटकीपर और बल्लेबाज हैं। 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। अब वह 26 टेस्ट मैच और 94 वनडे और 32 टी20 खेल चुके हैं और इन्होंने लगभग 3176 रन बनाए हैं। दिनेश कार्तिक का उनकी पहली पत्नी निकेता से तलाक हो गया, क्योंकि निकेता और दिनेश कार्तिक के दोस्त मुरली विजय का अफेयर चल रहा था। दोनों ने विवाह कर लिया। दिनेश कार्तिक को निकिता ने शादी के बाद तलाक दे दिया, जिसके बाद उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। तब उनकी मुलाकात एक जिम में दीपिका पल्लिकल से हुई और वे दोनों लाइफ पार्टनर बन गए और काफ़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। दिनेश कार्तिक 2018 से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में IPL मैच खेल रहे थे, लेकिन 2022 में IPL नीलामी में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम के लिए 5.50 करोड़ रुपये देकर शामिल कर लिया। इन्होंने वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2014 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इन्हें बिग स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2013 भी प्राप्त हुआ है। वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में इन्हें महिला युगल में रजत पदक प्राप्त हुआ। 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल में भी रजत पदक प्राप्त हुआ। 2018 जकार्ता 18वें एशियाई खेलों में महिला एकल में कांस्य पदक भी प्राप्त हुआ। कार्तिक की पत्नी और स्टार स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल ने कॉमनवेल्थ गेम में पदक अपने नाम किया। दीपिका ने अपने जोड़ीदार और रिश्ते में जीजा सौरभ घोषाल के साथ मिलकर रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में मिश्रित युगल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पिछली बार 2018 में सिल्वर जीतने वाली वह भारतीय जोड़ी इस बार फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही, लेकिन दोनों ने देश के स्क्वैश में दूसरा पदक दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की इस जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ प्ले ऑफ मैच में पिछली बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया लोवान डोना और कैमरून पिल्ले की जोड़ी को सीधे गेमों में से शिकस्त दी। कार्तिक ने दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आपको बता दें कि सौरभ घोषाल की शादी दीपिका पल्लिकल की बहन दिया पल्लिकल से हुई है। ऐसे में वह में दीपिका के जीजा लगेंगे, तो साथ में उन्हें दिनेश कार्तिक के भी रिश्तेदार हैं। इस बात की जानकारी दीपिका ने फरवरी 2017 को अपनी बहन की तस्वीर शेयर करते हुए दी थी। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।